घर में मुझे अंदर कैद किया, 3 साल हो गए। मुझे अल्लाह मदद मांग लिया। मैं वापस जाना चाहता हूँ। मेरे अपने बच्चे मेरे तो हवाला करना। ये लोग क्या करते, जाने नहीं दे रहे थे आपको? ये नहीं जाना, मेरे बच्चे मेरे जूना नहीं देने। ब्रोकरों ने रब्ता किया। पैसे कितने दिए आपने? 3 लाख उन्होंने खुफिया ले लिया छत के ऊपर बैठकर। एक बेस में मैडम सारा मुझे सारा रिकॉर्डिंग बने। बड़ा जुलम करते ने साडे बारे भी थाले लाते ने, अंदर भी थाले ला के रखते ने। जबरदस्ती से मुझे काटता है, मेरी चीख आने का मेरा दम फूट गया। 4 बार मैं मर के बची हूँ सर। मेरे पेट पे जंजीर बांधता है, इधर फेंका उधर फेंका। मियाँ ने मेरे को पकड़ा हुआ था और सास मेरी मैं आज के सरेआम के शुरू होने से पहले ही आपको बता दूं कि आज के प्रोग्राम में हम कमालिया के गांव से जिस औरत को बाजियाब करवा रहे हैं, वो एक बार फिर वापस उसी घर चली गई है जहां से निकलने के लिए उसने एक वीडियो में रो रो कर फरियाद की थी। और इसकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ अरसा पहले इतनी वायरल हुई कि पंजाब की तहसील कमालिया में एक हलचल मच गई थी। इस वीडियो को सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर लाखों की तादाद में शेयर किया गया। इस वीडियो में देखा जा सकता था कि लहजे से पख्तून या पठान लगने वाली एक औरत लोहे की जाली की दूसरी जानिब से पश्तो, उर्दू और सुराइकी के मिले जुले लहजे में मदद की अपील कर रही है। उसका कहना था कि उसे 3 साल से कैद करके रखा गया है और उसकी अपील है कि उसे यहाँ से निकाला जाए। घर में मुझे अंदर कैद किया, 3 साल हो गए। मुझे अल्लाह मदद मांग लिया। इस दिल दहला देने वाली वीडियो के मंजरेआम पर आने के बाद मकामी अमायदीन, इंतजामिया और पुलिस हरकत में आई। इस लड़की को बाजियाब करवा के थाने मुंतकिल किया गया, लेकिन इसे कैद करने वाले इतने बाअसर थे कि पुलिस ने एक जबानी सी जमानत लेकर लड़की वापस उसी खानदान के हवाले कर दी। आज के सरेआम की रिकॉर्डिंग के इख्तिताम से आज के सरेआम का आगाज करते हैं, जहां ये बेचारी थाने में बैठकर खुद बता रही है कि पिछली बार पुलिस ने इसके खरीदार के भतीजों के कहने पर इसे वापस इन्हीं लोगों के हवाले कर दिया था। पहले पुलिस आ रहे मुझे ला गया थाने में, तो फिर इस भतीजा ने जिम्मेदारी उठाए इस बारे में। वीडियो आपने बनाई थी? ये वीडियो? हाँ हाँ। कि मुझे यहाँ से निकालो, ये मुझ पे तशद्दुद करते हैं। तो फिर थाने में ला गया ना, तो फिर भी थोड़ी सही हो गया ना। वो मैडम थी बड़ा अफसर है ना, उसकी जिम्मेदारी इन भतीजा ने उठाई। पुलिस से सास पास करके इसे वापस लाने के बाद इससे जबरदस्ती एक बयान भी रिकॉर्ड करवाया गया था, जिसमें आप इसके चेहरे पर खौफ और दहशत को वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। नाम कर सो में मैं अपने बच्चों के साथ खुश है, खान अच्छा कराए, मुझे किसी ने कैद नहीं रखी, मैं अपने बच्चों के साथ खुश है। आप जरा इस मुल्क का निजाम देखिए कि एक ऐसी औरत जिसकी मदद की अपील की वीडियो पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिस वीडियो पर शहर के हर बड़े अफसर और हर इदारे ने नोटिस लिया था, एक भरपूर कार्रवाई की गई थी, लेकिन इस सब के बाद लड़की को कैद करके रखने वालों के असर और रसूख के बायस कुछ ही लम्हों में लड़की उन्हें वापस कर दी गई थी। वो लड़की जिस पर बेतहाशा जुल्म किया जाता था, जिसे 3 लाख में खरीदा गया था, जिसे दूसरी दफा बाजियाब करवाने के लिए जब टीम सरेआम पहुंची तो उसके होंठों पर मार के वाज़ेह निशानात मौजूद थे। इसका खरीदार बेझिझक इसे खरीदने का एतराफ कर रहा था। ब्रोकरों ने रब्ता किया। पैसे कितने दिए? 3 लाख उन्होंने खुद
छतिया ले लिया छत के ऊपर बैठकर। पुलिस और टीम सरेआम की मौजूदगी के बावजूद इस बेसहारा औरत ने अपने चेहरे पर मौजूद मार के निशान के बारे में डरते डरते सिर्फ इशारे में बताया था कि ये उसके खरीदार का काम है। क्या हुआ मेरी बहन के यहाँ पे, क्या हुआ बताओ? मारा है। किसने? किसने? इस शख्स ने 3 लाख में इस औरत को खरीद कर इससे निकाह भी कर लिया था ताकि बाद में किसी तरह की कोई कानूनी मुश्किल ना खड़ी हो। सो कानूनी तौर पर ये इसकी बीवी तो थी, लेकिन नफ्सियाती तौर पर तो इसके जहन में मौजूद था कि ये इसकी जरखरीद गुलाम है। सो ये इसका खानदान और इसकी पहली और असली बीवी इस खरीदी हुई औरत को खरीदा हुआ जानवर तस्वुर करती। इन लोगों ने तशद्दुद, मारपीट और बेरहमाना कैद इस औरत की जिंदगी का मुकद्दर बना दिया था। एक बार इसकी वीडियो मंजरेआम पर आने और पुलिस की कार्रवाई के बाद अपने असरो रसूख के बल पर इसे वापस ले आने वाले खरीदार अब मजीद दलेर और नडर हो गए थे कि अब हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। सो इस पर एक बार फिर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे थे। इस खरीदी हुई हरमा नसीब औरत पर अरसाए हयात इतना तंग कर दिया गया कि जब टीम सरेआम इसकी एक और वीडियो मौसूल होने पर मकामी पुलिस के हमरा इसकी मदद को पहुंची तो आंसुओं का एक सैलाब था जो इस लाचार की आंखों से छलकने को बेताब था। इसने मकामी SHO के पूछने पर साफ साफ कहा कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती, वो वापस जाना चाहती है। आपको यहाँ किसी ने जबरदस्ती रखा हुआ है, आप घर रहना चाहती हैं या वापस जाना चाहती हैं? मैं वापस जाना चाहती हूँ। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद कुछ मकामी सहाफियों ने इस प्रोग्राम में हमारी मदद करने वाले सहाफियों से मुखासमत की बिना पर इस प्रोग्राम को मशकूक बनाने की कोशिश की। इस इलाके में इस औरत के बाअसर खरीदारों के कुछ हवारियों ने भी इसे मियां बीवी का मसला करार दिया। सोशल मीडिया के कुछ दोस्तों ने भी अज खुद मुझे अपना नजरियाती और सियासी मुखालिफ तस्वुर करते हुए इस औरत के इवज पैसे देने को मकामी इलाके की रिवायत करार दिया। कुछ ने तो इस औरत को एक्टर और प्रोग्राम को प्लांटेड भी कहा। लेकिन जरा देखिएगा, मेरे जरा सा दिलासा देने पर ये औरत जैसे फूट फूट कर रोई है, ये आप में से किसी को भी अदाकार लगती है? अपनी जाती रंजिशें अनाद या फिर अना के बायस एक मजलूम की मजलूमियत का मजाक उड़ाना, उस पर होने वाले जबर का दिफा करना, माँ बाप या खानदान नहीं बल्कि बाकायदा ब्रोकर्स यानी दलालों के जरिए इस औरत के 3 लाख के सौदे को इस इलाके की रस्म और रिवायत करार देना बेहिसी और बेजमीरी की इंतहा नहीं? मुझ समेत सब अपनी बहन अपनी बेटी को इस दुखियारी की जगह रख कर इसका बिलक बिलक कर रोना देखें तो कलेजा मुंह को आएगा। मेरे बिना मैं बहुत तंग हो गया, मुझे बहुत जलील हो गया। चुप रहना, अभी एक मिनट रुको, खामोश। बहुत जलील हो गया, इस अस्पताल में मेरी बेटी की पैदाइश है, आज यूं पब्लिक जब ले कह रहा हूं मैं, तो सर वाली काली करती है। या मेरे अल्लाह, ये कितनी बेबस होगी जो इसके आंसू ठहरने का नाम नहीं ले रहे। ये कितनी शिद्दत से किसी ऐसे इंसान की मुंतजर होगी जो इसे इस जहन्नम से आजाद करवा के इसके अपने इलाके में वापस ले जाए। ये किन उम्मीद भरी नजरों से किसी मदद करने वाले की राह तकती होगी। जभी तो टीम सरेआम के सामने इसका जब्त जवाब दे गया था। इसके सारे दुख, इसकी सारी तकलीफें, अपनों से इसकी जुदाई और अपनी औलाद से बिछड़ने का खौफ इसकी आंखों के रास्ते आंसू बनकर बह निकला था। जो कुछ इस घर में मुझे सर जुलम जाते कितने एक बेस में मैडम सर मुझे सारा रिकॉर्डिंग बने। अरे मेरे बिना मैं तेरी बहुत तंग हो गया, मुझे बहुत जलील हो गया, बहुत जलील हो गया। इस अस्पताल में मेरी बेटी की पैदाइश है, आज यू पब्लिक जब ले खैर है मैं तू तो सर वाली काली करती है। 3 साल तक इन जालिमों के पास अमलन कैद रहने के बाद ये बेचारी एक अजीबो गरीब जबान बोलने लगी थी। आधी पश्तो जो इसकी मादरी जबान थी और आधी सराइकी या पंजाबी जो इस इलाके की जबान है। इसने जब मकामी मीठी जबान में मुझे मेरा भिरा यानी मेरा भाई कहकर मुखातिब किया तो रब्बे काबा की कसम इसने मुझे अपनी बहन दिखाई।
इस बहन के आंसुओं और इसके भिरा यानी इकरारुल हसन में किसी को कोई अदाकारी नजर आ रही है तो भले इस प्रोग्राम को यही देखना छोड़कर चैनल तब्दील कर लीजिए और मेरे आज तक के सारे प्रोग्राम्स को बेवकत समझकर मुझे हमेशा हमेशा के लिए दिल से उतार दीजिए। लेकिन अगर इस मजलूम औरत की आंखों में सच्चाई और इसके आंसुओं में इस पर बीतने वाले मजालिम की गवाही नजर आए तो फिर इस प्रोग्राम को आखिर तक देखिए। औरत को अपने असर और रसूख से वापस ले आने और अपने तई उससे एक वीडियो रिकॉर्ड करवा लेने के बाद इस औरत को खरीदने वाला शख्स, इसकी बीवी और इसके रिश्तेदार अब इस बात पर यकीन कर चुके थे कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो उनका बेहमाना सलूक पहले से भी बढ़ गया था। कई महीने गुजरने के बाद टीम सरेआम को कमालिया के कुछ मकामी लोगों ने इस औरत की हालत जार के बारे में खबर दी कि अब उस पर जुल्म ढाने वालों को ना तो पुलिस का खौफ है, ना मीडिया का और ना ही सोशल मीडिया का। वो औरत मुश्किल में है और मदद चाहती है। उस औरत ने किसी की मदद से टीम सरेआम के लिए एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई थी जिसमें वो इस कैद से एक बार फिर रिहाई की दुहाई दे रही थी, लेकिन खौफ और दहशत उसके चेहरे पर आया थी। इस वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान ही इसने बाहर से किसी को आते देखा और बस ऐसा लगा कि जैसे किसी ने इसकी रूह खींच ली हो। इस रिकॉर्डिंग के आखिरी एक लम्हे और किसी को आता देखकर इसके डर जाने वाले रद्देअमल से अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये खौफ के किस माहौल में जिंदगी गुजार रही है। इस वीडियो के मौसूल होने के बाद ये बात तो पाए सबूत को पहुंच गई थी कि पुलिस और मकामी इंतजामिया पर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके इसे वापस लाने के बाद इसके खरीदारों ने इस पर वहशियाना मजालिम का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया है और इसे आजादी से जीने का एक और मौका दिए जाने की जरूरत है। इसके इस हक की खातिर टीम सरेआम कमालिया पहुंची, मकामी पुलिस से मदद तलब की जो कि काफी पसोपेश के बाद मिली। हमें इस औरत कलसूम पर दोबारा तशद्दुद की खबर देने वाले मकामी लोगों ने बताया कि कुछ लोगों ने इनसे राबता किया है और बताया है कि वो इस लड़की के रिश्तेदार हैं। हमने उन्हें भी बुला लिया है कि अगर लड़की उनके साथ जाना चाहे तो कम से कम ये ऑप्शन मौजूद हो। हमारे जहन के किसी गोशे में भी नहीं था कि ये कलसूम के असली रिश्तेदार नहीं होंगे या ये कि ये औरत उन्हें अपना रिश्तेदार मानने से इनकार कर देगी। सो हमने उन लोगों से कहा कि आप उनसे कहिए कि वो भी वहां पहुंच जाएं, क्योंकि ये तो और अच्छी बात है कि लड़की को बाजियाब करवा के उसके रिश्तेदारों के हवाले किया जाए। हम पुलिस के हमराह लड़की को बाजियाब करवाने कमालिया के नवाही गांव खान द चक पहुंचे। हमें इस लड़की पर जुल्म तशद्दुद की खबर देने वाले मकामी लोगों में से दो खवातीन पुलिस के हमराह अंदर दाखिल हुई ताकि पहले वो तसल्ली कर लें कि वो औरत अंदर ही मौजूद है या नहीं। अंदर दाखिल होकर थाना सदर कमालिया के SHO ने हमें इस खातून से बात करने का मौका ही नहीं दिया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्हें यकीन था कि लड़की कहेगी कि मैं यहाँ खुश हूँ, आप यहाँ क्या लेने आए हैं, और बस फिर वो जल्दी जल्दी से यहाँ से निकलने की करेंगे। लेकिन जब उन्होंने उससे पूछा कि आप यहाँ रहना चाहती हैं या यहाँ से निकलना चाहती हैं, तो कलसूम के जवाब ने SHO साहब को इस बात का एहसास दिलाया कि मामला थोड़ा संजीदा और संगीन है। मेरी बहन क्या नाम है आपका? मेरा जी हौसला करके मेरा नाम कलसूम। कलसूम कहाँ से हैं आप? मैं उत्तशांग लपार। आपको यहाँ किसी ने जबरदस्ती रखा हुआ है? आप घर रहना चाहती हैं या वापस जाना चाहती हैं? मैं वापस जाना चाहता सर। अब हमें भी थोड़ा हौसला हुआ क्योंकि हमारे जहन में भी कहीं ना कहीं ये खदशा मौजूद था कि ये औरत अपने शौहर या उसके रिश्तेदारों के दबाव की वजह से अपनी ही भेजी हुई वीडियो से पलट ना जाए या दबाव और खौफ के बायस इन लोगों के खिलाफ कुछ कह ना सके, क्योंकि हमें भेजी गई इसकी मदद की अपील वाली वीडियो के आखिर में ये जैसे किसी के आने से घबराई थी। बहुत मुश्किल था कि वो इन लोगों के सामने इनके मजालिम का पर्दा फाश कर दी। लेकिन खुदा का शुक्र कि जिसने इसे हिम्मत दी और इसने साफ साफ कह दिया कि उसे यहाँ नहीं रहना, यहाँ से जाना है।
इसके इस बयान के बाद जैसे SHO साहब से हमें इजाजत मिली कि अब हम भी इससे कुछ पूछ सकते हैं या ये हमसे भी बात कर सकती है। इसने जिस अंदाज से मुझे मुखातिब किया उसने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया। एक ऐसी लड़की जिसकी मादरी जबान पश्तो थी, जो बिकते बिकाते एक सराइकी और पंजाबी बोलने वाले इलाके में 3 साल से कैद थी, उसकी जबान अब मुख्तलिफ जबानों का इम्तिजाज बन चुकी थी। उसने मुझे मीठी सराइकी जबान में मेरा भिरा यानी भाई कहकर मुखातिब किया और आखिर तक वो मुझे मेरा भिरा कहकर ही बुलाती रही। उसने बताया कि उसका बाप फौत हो चुका है, 3 भाई हैं जिनमें से एक शदीद बीमार है और एक भाई का नंबर मैं आपको देती हूँ ताकि आप उसे भुला लें। मेरे घर सुन मेरे बिरार, मैंने 3 बिरार है, मेरे बाप मर गया, एक भी माँ है उतने बुढ़ी है उतने शांगला पार में। मैं आप लोगों को आप इस वक्त मेरे बिरार नंबर पास लो दे दी। आप चाहती हो कि ये जो नंबर आपने इस आदमी मुझे फोन करें आपको लेके जाए तो आप उनके साथ। वो लोग जो खुद को इसका रिश्तेदार जाहिर कर रहे थे ये उन पर गुस्से से चिल्ला रही थी। इनके बारे में इसका कहना था कि मैं इनको नहीं जानती, लेकिन ये जैसे इन पर नाराज थी उससे हमें ये लग रहा था कि ये किसी ना किसी तरह इन्हें जानती जरूर है और शायद किसी बात पर इनसे नाराज है। शायद इस बात पर कि इन्होंने इसे तलाश नहीं किया, शायद इस बात पर कि उन्होंने इसे बेच दिया, लेकिन वो तो हमें अभी कुछ देर बाद मालूम होने वाला था कि खानदा चक के इस खानदान ने इसे इसकी फैमिली से नहीं बल्कि ब्रोकर से खरीदा था। अच्छा ये कौन है सही बताओ? मैं तेरे तक कुरान मजीद नहीं, आप जो कह रही हो मेरी बहन, मुझे यकीन है नहीं, मैं यकीन नहीं, मैं जो फैसला करे भाई मेरे भाई मैं कुरान मजीद करे सी और सब ये सब मैं नहीं जानता नहीं, इसलिए चिल्लाए मेरे की कोई भी रिश्तेदार नहीं। इसने बताया कि इसे खरीदने वाला खानदान उसे तो जाने की इजाजत देता है लेकिन उसके बच्चों को उसके साथ नहीं जाने दे रहा। इस लोगों मेरे तब बोलती है, इस लोगों मुझे मुझे तब बोलते हैं इस बच्चे छोड़ का मैं चला तू चले जा, तो अंगूठी अदालत मिला जिस बच्चों से तलाक वास्ता नहीं, क्यों नहीं बच्ची औलाद है फोन है जब तक मेरे साथ चलते पहले मैं अपने बच्चे। अच्छा नहीं अभी आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या जुल्म होता है आप पे? आप कहते हो ना मुझ पे जुल्म होता है, वो क्लियरली बात बताएं ताकि हम आपको अदालत में पेश करें। आप अभी हमारे साथ अदालत जाना चाहती हैं या यहाँ घर रहना चाहती हैं? जाना चाहती हैं। इस औरत का असल खरीदार जिसने इसे ब्रोकर से खरीदा था रोजगार के सिलसिले में पाकिस्तान के बाहर मुकीम था और इत्तेफाक है कि ये इन दिनों गांव वापस आया हुआ था। इसने और इसकी बीवी ने औलाद न होने की वजह से इस औरत को बच्चे पैदा करने वाली मशीन समझकर खरीदा था और किसी कानूनी मुश्किल से बचने के लिए इस शख्स ने इससे निकाह भी कर लिया था। यही वजह थी कि वो औरत को तो जाने देने पर मोतरज नहीं थे लेकिन बच्चे किसी सूरत इसके साथ नहीं जाने देना चाहते थे। हमने इसके नाम निहाद शोहर से पूछा कि वो इस औरत को कहां से और कैसे लाया था, जिस पर इसने बेधड़क होकर बताया कि कुछ ब्रोकर्स यानी दलालों ने इसकी बीवी से राबिता किया और 3 लाख में इस औरत का सौदा तय। ब्रोकरों ने राबिता किया जी, उस मेरी पहले वाली वाइफ से औरतों ने। आपका नाम रजिया बहन? ठीक है। वो खुद लेकर आए साथ इस बैठक में, हमारा इधर इमाम मस्जिद है जी, हमने इधर आदमी इकट्ठे किए, इधर उन्होंने निकाह किया, निकाह दिया, समझ लिया 3 लाख उन्होंने खुफिया ले लिया, छत के ऊपर बैठकर उन्होंने अलग अलग तकसीम किया, हमने कोई इनका घर नहीं देखा, कोई कोशिश। इस शख्स ने साफ साफ बताया कि हमने इस औरत का घर नहीं देखा और ये कि हमने इसे ब्रोकर से खरीदा है। इस शख्स का ये बयान उन दोस्तों के इल्जामात का जवाब है जो इसे एक रस्म और रिवायत करार दे रहे थे कि दुल्हा की जानिब से दुल्हन के घर वालों को मकामी तौर पर कुछ रकम दी जाती है। अव्वलन तो ऐसी हर रस्म हर रिवायत काबिले मजम्मत, लेकिन यहाँ तो इस औरत बेचारी के खानदान का कोई लेना देना ही नहीं था, इसे तो औरतें फरोख्त करने वाले ब्रोकर्स ने फरोख्त किया था, क्या वो इसे भी कोई रस्म या रिवायत कहेंगे? बहरहाल कुलसूम ने अपने भाई का नंबर हमें लाकर दिया जो हमने SHO साहब के हवाले कर दिया। हमने एक बार फिर इससे पूछा क्या वो वाकई इन लोगों को नहीं जानती जो खुद को इसका रिश्तेदार बता रहे थे, और इसने एक बार फिर इन्हें पहचानने से इनकार कर दिया।
ये आपके सगे भाई का नंबर है, तो जिन्होंने बेचा बहन आपको 3 लाख रुपए, वो कौन है? ये 5 लाख, ये एक तस्वीर आई, ये एक तस्वीर आई इस मेरे बिरजादी की बिरार है। ये आपके झूठे भाई बने हुए थे, झूठ भाइयों ने बना के मुझे पैसे लाए, और सब ये सब मैं नहीं जानता जी। मैं तेरे था, आप लोग दिखा ले से शांगला पार। आप चाहती हो कि ये जो नंबर आपने सब ये साथ में आनो, मुझे इनको फोन करें, ये मेरे सगा भाई, ये आपको लेके जाएं, तो आप इनके साथ जाएं। कुलसूम ने बताया कि उससे पहले भी थाने ले जाया गया था और मैडम यानी असिस्टेंट कमिश्नर के सामने भी पेश किया गया था, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और इसे वापस इन्हीं लोगों के हवाले कर दिया गया। इसने आंसुओं के सामने अपने जब्त का बंद बांधा हुआ था। मैं पहले थाने गई है, मेरे घर से मुद्दा मैडम है वो पेशावर है, मैं इस पुलिस जानता है जो मैं पहले गई है, मैं तेरे इस थाने में अभी ला जा सी, वो पुलिस में जो जानता है वो मैडम उधर बैठी है, पहला रिकॉर्ड मुझे जो कुछ इस घर में मुझे सर जुलम ज्यादा कितने वो मैडम मैडम सर एक मैडम सर मुझे सारा रिकॉर्ड बने। इसे किसी के हौसले किसी के दिलासे की जरूरत थी और मैंने जैसे ही इसे भाई होने का एहसास दिलाया, इसने आंसुओं के सामने अपने जब्त का बंद बांधा हुआ। मेरे बिरादरी तो बहुत जलील हो गया, मुझे बहुत जलील हो गया, अभी एक मिनट रुक लो, अस्पताल में मेरे बेटी के पैदाइश है, इसका कहना था कि ये लोग मुझे कहते हैं कि तुमने जहां जाना है चली जाओ, लेकिन अदालत में अंगूठे लगाकर जाओ कि तुम्हारा तुम्हारे बच्चों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, मैं ऐसे कैसे चली जाऊं? आप पे यहां क्या करते हैं? इस लोगों में जब मुझे तो बोलते हैं इस बच्चे छोड़ का मैं चला तू चले जा, तो अंगूठे अदालत में लाए जिस बच्चों से तलाक वास्ता नहीं, क्यों नहीं? एसएचओ साहब ने एक बार फिर इससे पूछा कि क्या आप अदालत जाना चाहती हैं, जिस पर इसने असबात में जवाब दिया। वो बताना चाहती हैं, आप बात बताएं ताकि हम आपको अदालत में पेश करें, आप अभी हमारे साथ अदालत जाना चाहती हैं या यहाँ घर रहना चाहती हैं? जाना चाहती हैं। हमने इससे पूछा कि क्या इन लोगों ने इसे बेचा है जो इसके रिश्तेदार होने का दावा कर रहे हैं। इस पर इसका एक बार फिर कहना था कि वो इन्हें जानती ही नहीं। इन्होंने यहाँ पे बेचा है आपको? नहीं, ये जो दर्ज में तेने देंगे इस आदमी ने, वही आदमी ने। ये लोग कौन है? मुझे भाई नहीं जानता, जानता नहीं है, मैं बस झूठ बोल रही हूं, बस औरों की कोशिश कर। औरत अपना सामान और बच्चे लेने अंदर गई, तो हमने एसएचओ साहब से दरखास्त की कि कोई इनके साथ अंदर जाए ताकि इसे डराया या धमकाया ना जा सके। भाई एक खातून है, हमारे साथ खातून है, तो उसका मैसेज बस वो एक खातून इनके साथ रहे, ताकि इस औरत के अंदर जाने के बाद हमने इसके मुबैना रिश्तेदारों से पूछा कि वो कौन है। वो बजिद थे कि वो इसके भाई, वालिदा और कजन। अच्छा, आप क्या लगते हैं इसके भाई? सगे भाई हैं। वो जिसका नंबर दे रही है वो तो आपसे नाराज है क्या? ये नहीं नहीं, माँ से नाराज है। माँ से नाराज? माँ कौन है? आप आपसे क्यों नाराज है माँ जी, क्यों नाराज है? बड़ी दूर भाई बेचा इन्होंने, पुछतो सब पुछतो जुबान समझ दे पंजाबी नहीं आ। 3 साल हो गए ने बच्ची गायब हो, ना इदाता ना पत्ता। हाँ जी, जो वीडियो चढ़ी है ना ये मेरे भाई ने देखी है। वो अभी जिसका नंबर दे रही है कि मेरे भाई को बुलाओ, वो कौन है? भाई वो शेर खान है, वो साडे नाल गल करदा, हाथ तो लाओ। वो साडा भाई कोई नहीं है, अगर ये बच्ची साडी है तो वो भाई सामने आ जाए ना, ठीक है? बच्ची कहंदी मैं तुहाडी बच्ची जिदे नाल कहेगी बच्ची ते उसदे नाल जाएगी। हां भाई, कुलसूम की वालिदा और भाई होने के दावेदार ये दोनों लोग बजाहिर कोई फ्रॉड या दो नंबर लोग मालूम नहीं हो रहे थे, और इन्हें बजाहिर इस झूठे दावे का कोई फायदा होता भी नजर नहीं आ रहा था। अगर तो ये इस तवक्को के साथ आए थे कि औरत इनके रिश्तेदार न होने के बावजूद भी इनके साथ चल पड़ेगी, तो ये इनकी भूल थी। मैंने इसीलिए कुलसूम के बाहर आने पर भी उससे एक बार फिर पूछा कि अगर इसे अपनी माँ से कोई नाराजगी है तो उसे माफ कर दे, लेकिन इसने फिर दोहराया कि ये इसकी माँ है ही नहीं। अच्छा, मेरी बात सुनो, देखो मुझे भाई का है ना दिल से, मेरी बात
है ना, मैंने भाई वाला हम सारे आए हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें लेने के लिए यहाँ पे। अगर माँ से कोई नाराजगी भी ना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ माफ कर दो उसको, अगर ये माँ है तुम्हारी। नहीं नहीं है। अपने होंठ पर लगे ताजा मार के निशान के बारे में सवाल पूछने पर इसने डरते डरते अपने खरीदार की जानिब इशारा किया। और ये होंठ क्या हुआ मेरे यहाँ पे, क्या हुआ डरना नहीं है, डरना नहीं है, बताना है, यही खड़े होकर बताना है क्या हुआ बताओ मुझे, एतबार करो ना, देखो ऐसे तो साफ ही मारा है। हमारे इसरार के बावजूद एसएचओ साहब ने कुलसूम और इसके खरीदार को एक ही गाड़ी में आमने सामने बिठा दिया। हमारा खदशा ये था कि इस दौरान वो उसे डरा धमका कर या बहला फुसला कर या किसी इशारे से उसका अदालत जाने और अपने बच्चों के साथ अपने भाई के पास जाने का मौकफ तब्दील करवा सकता है। लेकिन इन्हें न सिर्फ साथ बिठाया गया बल्कि कुछ ही आगे जाकर एसएचओ साहब को किसी की फोन कॉल आ गई और उन्होंने थाने पहुंचने का भी इंतजार किए बगैर पुलिस मोबाइल को रुकवाया, पीछे आकर कुलसूम के खरीदार से उसका वो निकाहनामा देखा जिसके बारे में अभी कुछ ही देर पहले वो खुद इस शख्स के अपने मुंह से सुन चुके थे कि ये निकाह नहीं बल्कि 3 लाख में ब्रोकर्स के जरिए होने वाली एक डील थी। निकाहनामा देखकर उन्होंने फोन पर मौजूद शख्स को ओके की रिपोर्ट दी कि कागज पूरे हैं और पुलिस मोबाइल इस तसल्ली के बाद थाने की जानिब रवाना हो गई। थाने पहुंचने तक कुलसूम और उसका मौकफ दोनों तब्दील हो चुके थे। पुलिस और इसके खरीदारों की मिली भगत से उसे डरा धमका कर या बहला फुसला कर वापस उसी गाँव जाने पर आमादा कर लिया गया था जहाँ से कुछ ही देर पहले हमने इसे बाजियाब करवाया था। थाना सदर कमालिया वही थाना था जहां कुछ अरसा पहले टीम सरेआम ने उन पुलिस अहलकारों को बेनकाब किया था जो इज्तमाई ज्यादती का शिकार होने वाली लड़की की एफआईआर दर्ज करने के लिए उसके रिश्तेदारों से पैसे मांग रहे थे। एक बच्ची जो कहती है मेरे साथ इज्तमाई ज्यादती हुई है, उससे एफआईआर के पैसे नहीं आ रहे। थाने के अंदर इज्तमाई ज्यादती जैसे हसास केस में हर बंदा पैसे ले रहा है, मुहर्रर से लेके ड्राइवर तक, तफ्तीशी से लेके पुलिस अफसर तक, और थानेदार की बात पता ही नहीं। गाली देते हैं लोग पुलिस को तुम जैसे लोगों की वजह से, माए बहने आप लोगों के घरों में, उनकी कोई लॉटरी निकली थी बच्ची के साथ ज्यादती हुई थी यार, खुदा के बंदे सारे थाने ने मिठाई खाई है एफआईआर काटने। इस थाने से और इसके अहलकारों या एसएचओ से हमें कोई अच्छी तवक्को रखनी भी नहीं चाहिए थी। हम औरत की खरीदारी, इस पर तशद्दुद और इसे जबरदस्ती कैद रखे जाने के सारे हकायक पुलिस के सामने ले आए थे। अब फैसला औरत के बयान पर अदालत ने करना था। हम अदालत में इस औरत के साथ जा सकते थे, ना ही इस पर अपनी मर्जी मुसल्लत कर सकते थे, सो हम इसे पुलिस स्टेशन छोड़कर कमालिया से वापस कराची की जानिब रवाना हो गए। अदालत में इसने बयान दिया कि वो अपने खरीदार के साथ वापस जाना चाहती है। थाने में इसने हमारे रिपोर्टर से बात करते हुए बताया कि पुलिस और उसके खरीदार शौहर ने उसे यकीन दिलाया है कि ये खुद उसके साथ उसके बच्चों को लेकर इसके भाई से मिलवाने जाएगा। और इस सादा मासूम औरत ने इनकी बात पर यकीन कर अपने भाई से मिलने की आस में वापस उसी जहन्नुम में जाने की हामी भर ली जहां से हमने इसे बाजियाब करवाया था। मैं इस खावन के साथ वापस जाऊं, सर खावन के साथ रहूंगी, उस बच्चों के साथ मैं अपने घर खुश, जब मैं माँ बाप के साथ चली जाऊंगी मिलने लग तो फिर मेरे खावन और बच्चे मेरे साथ जाएंगे। इस औरत के खरीदार के भतीजे पिछली बार भी इसकी मदद की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस से साजबाज करके इसे वापस ले गए थे। अब की बार भी पुलिस और इसके खरीदारों ने मिलकर अदालत में इससे अपनी मर्जी का बयान दिलवाया था। एक मां को उसके बच्चों के नाम पर एक बार फिर कैद कर लिया गया था। एक फैसला अदालत का है जो इस हकीकत से वाकिफ ही नहीं थी कि इस औरत को ब्रोकर्स के जरिए 3 लाख में खरीद कर इससे जाली निकाह किया गया है। एक फैसला हम अवाम की अदालत पर छोड़ते हैं। इसकी ये वीडियो एक बार फिर देखिए, इसके चेहरे, इसके आंसुओं, इसके कपकपाते होंठों पर नजर डालिए, इसके टूटे फूटे जुमलों में मौजूद कर्ब को सुनने की कोशिश कीजिए, और अगर आपको लगे कि ये औरत मजलूम है तो फिर दुआ कीजिएगा।
कि अल्लाह इस निज़ाम, इस समाज और इस मुआशरे को माफ करे। तो कुछ इस घर में मुझे सर जुलम ज्यादा कितने एक इस मैडम सर मुझे सारा रिकॉर्डिंग बने मेरे गुना हो गया इतना बहुत तक हो गया मुझे बहुत जल्दी हो गया बहुत सारे लोग गए अस्पताल में मेरे तो बेटी की पैदाइश है आज यू पर मुझे बने कह रहा होगा तुझे सर वाली कार्य करती है।